गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास फोर्थ। आज हम आपकी ईवीएस का वर्कशीट का डिस्कशन करेंगे। आपको मैंने एक वर्कशीट दी है, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको ये किस तरीके से सॉल्व करना है, आओ मैं आपको बता दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, पिक द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट शोन इन कॉलम ए फ्रॉम कॉलम बी। आपको कॉलम ए में कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और कॉलम बी में उससे रिलेटेड पिक्चर्स रिलेटेड नाम दिए गए हैं, और जो ये पिक्चर है ये रेलवे स्टेशन से संबंधित पिक्चर है। अब आपको इन पिक्चरों को देखकर ये बताना है कि कौन से पिक्चर में कौन है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट बताती हूँ कि जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें देखो एक आदमी अपने सर पे बोझा उठाए हुए है, लगेज उठाए हुए है, तो उसको क्या कहते हैं हम, कूली। ठीक है, तो आपको उस पिक्चर के आगे कॉलम बी से सिलेक्ट करके नाम लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड, फाइंड आउट हाउ मच मनी डज यू स्पेंड इन वन ईयर फॉर वेरियस स्कूल्स रिलेटेड थिंग। मतलब आप एक साल में आपके स्कूल से संबंधित चीजों में आपका कुल कितना खर्चा होता है वो आपको लिखना है। नीचे ये चीजें दी गई हैं, कितना मनी आप उस चीज में खर्च करते हो उसके आगे उतना मनी आपको लिखना है और लास्ट में टोटल करना है। जैसे फीस, हम मतलब आप गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं तो आपको पता है आपके स्कूल में फीस तो कोई पड़ती नहीं है, तो फीस के आगे आप क्या लिखोगे, जीरो मनी। ठीक है, ट्रेवल टू स्कूल एंड बैक। अच्छा, आपको जैसे कि पता है कि सरकारी स्कूल हमारे गाँव में ही होते हैं, जिसके कारण मतलब बच्चों को आने जाने के लिए किसी व्हीकल की जरूरत तो पड़ती नहीं है, आप इजीली अपने स्कूल में, अपने गांव से अपने ही स्कूल में इजीली आ जा सकते हो, जिससे आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है, तो उसके आगे भी आप लिखोगे जीरो। पेन पेंसिल, हाँ ये चीजें आपके पेरेंट्स परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो एक साल में आप कितनी पेन पेंसिल यूज करते हैं आपको कैलकुलेशन करके उसका मनी स्पेंडिंग लिखना है। नोटबुक, हाँ ये आप भी खुद खरीदते हो तो एक साल में आपकी कितनी नोटबुक लगती है वो उसके आगे आप लिखोगे। बुक्स के आगे आपको पता है कि आपको बुक्स स्कूल से मिलती है, मतलब आपको जो बुक्स का खर्चा है वो आपको गवर्नमेंट देती है, तो इसके आगे भी आप क्या लिखोगे, जीरो। ठीक है, और स्कूल बैग ये आपके पेरेंट्स परचेज करते हैं, तो एक साल में आपके स्कूल बैग में आपका कितना मनी लगता है वो आप उसके आगे लिखोगे। शूज भी आपके पेरेंट्स आपके लिए खरीदते हैं, एक साल में आपके शूज पे कितना पैसा खर्च होता है उसका टोटल भी आप आगे लिखोगे। अदर एक्सपेंसिव मतलब अदर सामान, और क्या 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 चीजें खरीदते हो, जैसे तुम ड्राइंग के लिए कलर्स खरीदते हो और इरेजर खरीदते हो, शार्पनर खरीदते हो, उसके अलावा भी और कई चीजें ऐसी होती है, वो चीज भी आपको टोटल नोट करके उसके आगे मनी जितना मतलब पैसा आपका लगता है वो लिखना है। ठीक है, और टोटल एक साल में आपका कितना पैसा खर्च होता है स्कूल से संबंधित सामानों का टोटल आपको लिखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ हनीबी एंड आंट इन द फॉलोइंग बॉक्सेस। आपको एक मधुमक्खी का चित्र दिए गए बॉक्स में बनाना है जहाँ पे हनीबी लिखा हुआ, और एक आंट मतलब चींटी का चित्र बनाना है जो कि बॉक्स बनाया है, आपको उस चींटी का चित्र इस बॉक्स के अंदर बनाना है और कलर भी करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थिंक अबाउट एन ऑरेंज ट्री एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको एक ऑरेंज ट्री के बारे में सोचना है और उससे संबंधित नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उसके बारे में लिखना है। जैसे डज द ट्री फ्लावर, क्या ऑरेंज के जो पेड़ होता है उसमें फ्लावर लगते हैं, उसका आंसर लिखना है आपने। ठीक है, डू द फ्लावर रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर। मतलब क्या जो फ्लावर ऑरेंज के पेड़ पे लगते हैं वो हमेशा रहते हैं। ठीक है, इन विच मंथ डू देयर लीव फॉल, क्या मतलब कौन से महीने में उस पेड़ की पत्तियां झड़ती हैं। डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री, और उस पर फल कब लगते हैं। इन विच मंथ डू दे ग्रो, और मतलब वो फल कौन से महीने लगते हैं। ठीक है, अगला है, हैव यू ईटन दीज फ्रूट्स, क्या तुम उस फल को खाते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व द पजल एंड फिल द ग्रिड फ्रॉम 1 to 7 अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ एनिमल्स। आपके पास एक पजल दिया गया है, इसमें आपको कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स दिख रहे होंगे, आपको इस पजल बॉक्स के अंदर
इन एनिमल्स का मतलब इन एनिमल्स के नेम फिल करने हैं, ठीक है। जैसे पहला है क्रैप, पहला आपको पजल दिख रहा है, ये एक केकड़े का चित्र है। अब क्रैप की स्पेलिंग क्या होती है, CRAP, क्रैप। तो आपको ये फर्स्ट पजल बॉक्स में लिखना है। इस प्रकार जो आपको जितने पिक्चर्स दिख रहे हैं उससे रिलेटेड एनिमल्स के नाम आपको इस पजल बॉक्स में फिल करने हैं, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ओके, थैंक यू।